नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मैं हार्दिक मारुआ और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं पाटण वाव, जो आता है ओसम डूंगर में, जो ओसम की पहाड़ियाँ बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा राजकोट, और राजकोट से 100 किलोमीटर के नियर बाय प्लेस आता है ये, और बीच में आता है धोराजी। धोराजी बाईपास होकर आपको जाना पड़ेगा उपलेटा, और उपलेटा से आपको आना पड़ेगा पाटण वाव। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारे काफ़ी सारे और दोस्त भी आने वाले हैं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 5:30। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जूनागढ़ से, क्योंकि मैं बेसिक जूनागढ़ से हूँ, और जूनागढ़ से जाने में हमको लगेगा तकरीबन 1 घंटे के आसपास का समय। गुड मॉर्निंग। क्या बापा मजा में? बापा मजा में। अभी हम लोग मंदिर तक पहुंच गए हैं, और बस जस्ट कुछ ही सीढ़ियाँ बाकी है, लेकिन यहाँ से नीचे की ओर एक गुफा है जिसे भीम गुफा कहा जाता है। तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे दोस्त उधर गए हैं, तो हम भी देखने के लिए गए जा रहे हैं। दूसरा और एक चीज़, इस पहाड़ पे, मतलब पाटण वाव का जो ये पहाड़ है, इसके ऊपर कोयला बहुत है। आप देख सकते हो पूरे पहाड़ में कोयला ही कोयला है।
सो यहाँ पर हमें केव दिख रही है। तो ये पूरी जगह जो है वो भीम गुफा के नाम से जानी जाती है। यह बहुत सारी जगह पर इस तरह से केव है। काफ़ी मस्त जगह है, यहाँ से नीचे बहुत मस्त व्यू दिख रहा है और नीचे की तरफ खाई जैसा है और सामने गुफा है। तो अभी हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे पहाड़ में कोयला ही कोयला, और जो खान देखी वो भी आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक है ये सब कोयला ही है, पत्थर नहीं है। ये तीनों फ्रेंड्स गुफा देखने के लिए नहीं आए थे क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी गुफा देख रखी थी। तो यहाँ पर मातृ माँ का मंदिर है, इस तरफ मंदिर है, इस तरफ ऊपर जाने की सीढ़ी है। तो हमने मंदिर में दर्शन कर लिए, मंदिर काफ़ी मस्त है। बाहर की साइड एक रास्ता है तालाब की ओर जाने का, तो वहाँ जा रहे हैं। जन्माष्टमी के बाद यहाँ पर 3 दिन का मेला लगता है। उस टाइम पर ये जो भी जगह दिख रही है वहाँ पर आपको रूम मिलता है। मातृ माँ का मंदिर था और यहाँ पर एक महादेव का मंदिर है, यहाँ पर तालाब है।
अभी 9 बज चुके हैं, हमने तालाब में जंप लगाया, 20 मिनट नहाया, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर टपकेश्वर महादेव का मंदिर है और भीम थाली भी यहाँ पर कुछ है, तो ये जगह आ चुकी है। पाटन भाव का जो ओसम पर्वत है उसको हमने एक्सप्लोर किया, टपकेश्वर महादेव मंदिर और भीम थाली और मातृ माँ का मंदिर, ये सब जगह हमने देखी। तो और ये जो अभी हम निकले हैं तो पूरा सर्कुलर करके आए हैं, दूसरे रूट से गए थे और सेकंड पूरा घूम के वापस आए हैं। लेकिन बेस्ट सीज़न जो है वो मानसून वाला है, जैसे अगस्त मंथ में आया है। हम लोग वहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर बैठे थे जहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पर शंकर जी की मूर्ति है बहुत बड़ी। तो इसी के साथ ये सफ़र ख़त्म करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।